एक्सपीरियंस से चाहता था कि सॉल्यूशन लॉजिकल कंक्लूजन आए और जो एक डेमोक्रेटिक मीन से जो सॉल्यूशन आए हम लोग उसी को अपना के चला है। तो अभी आई थिंक अभी एक महीना ज़्यादा हो गया लास्ट टाइम जो हम लोग थ्री डेज से तीन धरना प्रोटेस्ट किया था। तो हम लोग एक्सपेक्ट किया था कि चलो गवर्नमेंट को भी एक मौका दे के देखना चाहिए कि एक महीना का हम लोग मौका दिया। उसके बाद में जब नहीं हुआ तो जितना भी एस्पिरेंट है एस्पिरेंट का भी फिर ये डिमांड है कि चलो लेट्स सिट अनदर धरना। तो इसलिए हम लोग आज चार दिन का धरना ये हम लोग बैठ रहा है, आज शुरू हो रहा है, ये 31 तक होगा। इनफैक्ट हम लोग तो ये धरना को परमिशन लेने के लिए पिलर टू पोस्ट जो हम लोग का वाइस चेयरमैन सर हैं और आप लोग अपना कुछ मीडिया टीम लोग आप लोग देखा ही है किस वजह से यहाँ पे पिलर टू पोस्ट घुमा के रखा है। तो इसलिए अभी भी हम गवर्नमेंट को अभी एक पॉजिटिव नोट से हम अभी भी सोच रहा है कि और हम अपील कर रहा है कि गवर्नमेंट को आप एटलीस्ट जो एस्पिरेंट का जो डिमांड है और आपका जो ये कमिटमेंट है उसको पूरा करने से ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेंटिमेंट कहाँ पे है और ये जो इशू है हम लोग जिस वजह से लेके आ रहा है हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। हम लोग एक इशू बेस्ड कमेटी सेटअप किया है और एस्पिरेंट ही है यहाँ पे। तो इसलिए हम चाहता है कि हम लोग को भी उस नज़र से ना देखें। आई थिंक अभी ये जो 72 आवर्स का बंद कॉल भी ख़त्म हो गया है, अभी भी हम दावे के साथ हम बोल सकते हैं कि हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं था एज एन एस्पिरेंट। और पर्सनली हम ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस ऐसे इंडिविजुअल प्लस ऐसे गवर्नमेंट सॉरी ये एग्री एस्पिरेंट का तौर पे हम कभी ये नहीं चाहे कि लोगों को हम अपना हाथों पे ले और किसी भी एस्पिरेंट को इनोसेंट एस्पिरेंट को भी हम यहाँ पे करियर बर्बाद होने दें। इसलिए हम चाहता है कि ये जो हम लोग का चार दिन का जो धरना है पीसफुल रहे और जितना भी यहाँ का जो पार्टिसिपेंट्स है और वेल विशर्स है यहाँ पे जब भी आएंगे आप इशू पे ही बात कीजिए और हम लोग इशू पे ही बात करेंगे। यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को ये हम लोग का प्रिंसिपल रहा है हमेशा, किसी इंडिविजुअल को हम लोग को यहाँ टारगेट करना नहीं है और ना तो गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को जब भी हम लोग बात करेगा इशू पे ही बात करेंगे। क्वेश्चन है आपसे, कल जो अरुणाचल फेयर जो फेस्टिवल में जो सीएम ऑनरेबल सीएम सर जो वहाँ पे जो विजिट किया था तो उसमें उसने अपना स्पीच एंड इंटरव्यू में मेंशन किया था कि जो आप लोग का जो डिमांड है वो अपडेट में है ऑलमोस्ट होने लगा, तो उसने ऐसा मेंशन किया है तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? उसको तो हमने देखा नहीं है। तो लास्ट टाइम जब हम लोग धरना हुआ था उस वक्त में सीएम सर का ये स्टेटमेंट था कि डिमांड फुलफिल हो चुका है और कुछ क्लेरिफिकेशन या कन्फ्यूजन चाहिए तो चीफ सेक्रेटरी सर से अपॉइंटमेंट लेके या वो एडवाइस करेगा बोला है कि हम लोग को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। ऑन बेसिस ऑफ डेट हम लोग का जो एस्पिरेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ वाइस चेयरमैन तदक नालो सर उसमें गया था जाके पूरा हम लोग का जितना भी वो जो डिमांड है उसको हम लोग बाइसेक्शन करके अच्छा से बताया चीफ सेक्रेटरी सर को, वो भी कन्विंस हुआ है कि डिमांड फुलफिल नहीं हुआ है। और रहा जो बात कल का अगर कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट सीएम से आया है तो चलो हम वेलकम करता है, एटलीस्ट सीएम सर कॉग्निजेंस तो लिया कि अभी भी पीएजीसी यहाँ पे जिंदा है, इशू अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ है। हम इसलिए सीएम सर को भी हम रिक्वेस्ट करता है आपको और गौर करना चाहिए, शायद रिजोल्व नहीं हुआ। अगर रिजोल्व होता हम लोग यहाँ पर नहीं बैठनाता। और आपको अगर कोई गाइडेंस दे रहा है कि रिजोल्व हुआ आपका बिजी शेड्यूल का वजह से ऐसे चेयरमैन ऑफ पार्न अरुणाचल जोन स्टरिंग कमेटी ऑन बिहाफ ऑफ एस्पिरेंट अभी भी हम बोल रहे हैं कि इशू रिजोल्व नहीं हुआ है। अगर टेक्निकलिटी अगर बात करेगा इसको बार बार दोहराने का जरूरी नहीं समझता है। जो हम लोग का 18 फरवरी में माइनस ऑफ मीटिंग बना था आप लोग को मीडिया वाला को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि तू भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आप सीएम सर को भी और गवर्नमेंट को भी पूछिए ताकि जरंग का टर्मिनेशन का आपका क्या कवर है, जो यहाँ का मेन कल्प्रित है एक्यूज है ताकि जरंग को अभी तक टर्मिनेट किया नहीं है। और वो 18 फरवरी का माइनस ऑफ मीटिंग में साफ साफ लिखा गया है कि ताकि जरंग को इमिडिएटली टर्मिनेट किया जाएगा बोल के इंस्टीट्यूट ऑफ टर्मिनेटिंग दिस ताकि जरंग आप तचीपुरु को सस्पेंशन कर दिया, बाकी पीएचसी लड़का को आप जेल में डलवा दिया। तो ये जो ताकि जरंग को टर्मिनेशन नहीं करने का रीज़न क्या है
इसको हम बार बार बोल रहे हैं, इसलिए मीडिया वाला लोग भी, आप लोग भी जब भी गवर्नमेंट को मिलेगा उसका रिप्रेजेंटेटिव को स्पेसिफिक सवाल कीजिए सिस्टम से अपार्ट फ्रॉम ताके जेरंग आप किसको पकड़ा, क्योंकि ये जो सवाल है इट्स बीन ऑलमोस्ट आई थिंक 14 मंथ्स जो ये जो इशू का जो आज तक का 14 मंथ्स हो गया, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है जो भी हो ये लोग का अपडेट कहाँ है, तो कैसे ऐसे हो सकता है कि या इतना मल्टीपल एग्जामिनेशन में यहाँ पे पेपर लीकेज हुआ है बस एक ही एक्यूज निकला और वो एक्यूज को भी आपने पोस्ट रिटायरमेंट देने दिया। पोस्ट रिटायरमेंट देखो, रिटायरमेंट इज ए बेनिफिट, ठीक है, एंड पोस्ट रिटायरमेंट एज पर CCS कंडक्ट रूल इट इज ए मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है उसमें क्या कमिटी गठन करना चाहिए था, कमिटी भी गठन नहीं किया, उसका जो चेयरमैन था उस समय का एक्यूज जो चेयरमैन था उन्होंने ही उसको पोस्ट रिटायरमेंट दिया गया है। ये प्रोसीजर लेप्सेस है, इसको हम आम जनता स्टूडेंट यूनियन चीफ सेक्रेटरी सार को और CM सार को भी हम बोलना चाहेंगे और आप लोग को मीडिया को भी हम बताना चाहेगा कि ये जो ताके जेरंग है जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन था डिप्यूटी कंट्रोलर एग्जामिनेशन था उसको पोस्ट रिटायरमेंट जिस प्रोसेस से दिया गया है ये सही है कि नहीं आप गवर्नमेंट को पूछ के देखिए। हमने इसी बात को 18 फरवरी में भी बोला, CM सार ने उसको एक्सेप्ट किया, चीफ सेक्रेटरी सार ने उसको एक्सेप्ट किया, अंशु भी उसको एक्सेप्ट किया, इसलिए वो माइनस ऑफ मीटिंग में अंशु का भी उसमें सिग्नेचर था, अभी तक उसको टर्मिनेशन क्यों नहीं किया गया। तो आप यहाँ पे इस मुद्दा पे अभी हम लोग यहाँ क्यों है सोचने से, ये आप सो क्या करना चाहता है कि पब्लिक को एस्पायरेंट को, पहला तो आप जो एक क्यूरेटिव पार्ट है या प्यूनेटिव पार्ट है जिसको आपने चोर जो एक्यूज कहा गया है कि एक ही ने पेपर लीकेज किया पेपर सेलिंग किया उसको भी आप टर्मिनेट नहीं किया और उसके बाद में रिफॉर्मेशन पार्ट को भी आपने नहीं लाया, अभी आपको ऑलमोस्ट अभी 18 फरवरी का बाद में अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 8 मंथ्स होने जा रहा है अभी तक प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को क्यों नहीं ला पा रहे स्टेट गवर्नमेंट, ये एक्ट को लाने से सिस्टम में क्या क्या खराबी है आप बता के देखिए। तो जिस वजह से CM सर पहले बोल रहा था कि ये एग्जामिनेशन अभी जल्दी कंडक्ट करना है, हजारों हजारों पोस्ट है, हमने तो बोला कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कीजिए लेकिन भी पहले का सिस्टम को आप उसको चेक करना पड़ेगा, आप सिस्टम में अगर कुछ बदलाव लाना चाहेगा तो संशोधन भी लाना पड़ेगा ना। आप प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लेके आइए, व्हिसल ब्लोअर एक्ट लेके आइए, उसको कौन रुका रहा है, इसको आप नहीं करके जस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहेगा उसका मतलब को अभी एस्पायरेंट लोग समझ रहा है और जिस इसलिए हम लोग पहले डिमांड किया था कि ये जो बहाना एग्जाम कंडक्ट करना है पोस्ट अभी वैकेंट पोस्ट बहुत बाकी है, इसलिए हम लोग 29 सितंबर में 2022 को जब हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया था अंडर द बैनर ऑफ अंशु एंड अपसु उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जल्द से जल्द जितना भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है यूपीएससी को कंडक्ट करने दीजिए, अप टू फरवरी मार्च तक ये लोग यूपीएससी को इनरोल्स किया नहीं, तो यहाँ से साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम में बैठा हुआ है शायद ये लोग डील करके रखा था उस पोस्ट का, तो वो शायद पैसा को ये लोग वापस नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये लोग जैसे भी कैसे भी करके अभी जस्ट एग्जाम डेट डिक्लेयर करा के एस्पिरेंट का बीच में यहाँ पे गेम खेल रहा है, इमोशन का साथ खेल रहा है। अभी भी हम यहाँ पे बता रहे हैं सार को, पेमा खांडू सार को, आप शायद पब्लिक का सेंटिमेंट को आप पता नहीं है, ग्राउंड का स्थिति को पता नहीं है, आपका जो इन्फॉर्मर है आपको गलत सजेशन दे रहा है। ISA PAJSC चेयरमैन हम अभी भी बता रहे हैं कि यू हैव इनफ टाइम, अभी भी आप संशोधन लेके आइए, रिफॉर्मेशन पार्ट को कीजिए, क्यूरेटिव पार्ट को कीजिए। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि गवर्नमेंट को, अभी हम लोग 4 दिन का धरना है, हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि ये पीसफुल धरना ही होगा, हम लोग कभी लोगों को अपना हाथ पे कभी लेगा नहीं और हम लोग का जो प्लेटफॉर्म से कभी किसी इंडिविजुअल को अगर हम रहेगा तो किसी को हम लोग टारगेट नहीं करेगा। और हम भी चाहता है कि इक्वल रेसिप्रोकेशन गवर्नमेंट से भी आए, अगर ऐसे नहीं करके आप फिर यहाँ पे आप नज़रअंदाज करेगा तो कल को फिर आप लोग यहाँ पे अपू आपा लगाने का कोशिश करेगा, शायद वो भी नहीं होगा। और जिस वजह से अभी हम मीडिया पे भी थोड़ा साइलेंस आई एम मेंटेनिंग, ये वो नहीं कि हम डर गया, पब्लिक को भी मैं बता दो, एस्पिरेंट को भी मैं बता दो
कभी कभी हम लोग सोचता है कि डिप्लोमेटिकली ऑल्सो हैव टू अप्रोच द गवर्नमेंट देयर माइट बी सम डिफरेंसेस अमंग द गवर्नमेंट एंड आस द वे ऑफ डीलिंग द प्रॉब्लम ना तो हम सोचता है कि हम लोग डिप्लोमेटिकली अप्रोच करें तो इसलिए हम गवर्नमेंट को भी आई हैव सेंड माय सेंड आवर मैसेज कि वी नीड अ लॉजिकल सॉल्यूशन ना एंड वी नीड अ रिस्पेक्टेबल एग्जिट तो इसलिए हम चाहता है कि गवर्नमेंट अभी भी वक्त है जिस वजह से हम लोग का 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है और उसके बाद में जो बाकी जो हम लोग ये आई थिंक अपॉइंटमेंट भी मांगा है सीएम को अभी 3-4 महीना हो गया अभी तक हम लोग को दिया नहीं और मेमोरेंडम भी हम लोग 4-5 टाइम्स हम सबमिट कर चुका है अपॉइंटमेंट भी हम लोग 4-5 टाइम सबमिट कर चुका है एंड वी हैव ए प्रूफ ऑफ दैट तो हमको लगता है कि सीएम सर इसको आप गौर करने से ठीक है और जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि आपने अपॉइंटमेंट 4-5 बार सबमिट कर चुका है एंड आफ्टर दिस 4 डेज धरना तब भी अगर गवर्नमेंट का साइड से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता तो आप लोग का साइड से नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या रहेगा एंड मैं और एक क्वेश्चन इंक्लूड करना चाहूँगी अगर आप लोग को नहीं लगता कि कुछ और स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना चाहिए क्योंकि काफ़ी बार आप लोग धरना भेज चुका है पर भी गवर्नमेंट का साइड से कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है नहीं वो बात सही है कि स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाना चाहिए देखिए हम लोग का प्रेजेंस यहाँ और अभी तक ऑलमोस्ट 13 मंथ्स इस इशू पे रहना यही हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स है हमको ये लगता है और कल को भी हम लोग जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स जो उतारेगा हम लोग डेमोक्रेटिकली उतारेगा और हम लोग इस इशू से जब तक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं आएगा हम लोग हटने वाला नहीं है क्योंकि ये जो इशू है ये तदक नालों का तचीपुर का जितना पीएजीसी मेंबर का और जितना भी यहाँ पे वेल वेसर्स हम लोग को जो साथ देता है उसका इशू नहीं है स्टेट का एक यंग जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन का ये इशू है तो इसलिए हमको लगता है कि इसको आई थिंक गवर्नमेंट फुलफिल करना चाहिए और हम लोग इसको और भी उतारेगा और भी धरना करेंगे जितना हम लोग का पास मीन्स होता है हम लोग करेंगे थैंक